सागर जिले के जड़ुआ खेड़ा में शौचालय के सेप्टिक टैंक के निर्माण के दौरान गड्ढे में पोल उतारते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह पीना सागर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों जड़ुआ खेड़ा में सरकारी योजना के तहत घर घर शौचालय बनाने का काम चल रहा है। सेप्टिक टैंक डालने वाले ठेकेदार को इसका काम दिया गया है। मंगलवार की शाम को जड़ुआ खेड़ा निवासी शिवराम बंसल के यहाँ योजना के तहत शौचालय बनाने का काम चल रहा था। सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में चैन कुप्पी द्वारा पोल को उतारा जा रहा था। काम में सहयोग करने के लिए गड्ढे के नीचे खड़े शिवराम के ऊपर चैन कुप्पी में फंसा सेप्टिक टैंक का पोल गिर गया, जिससे मौके पर ही शिवराम की मौत हो गई। वहीं गड्ढे में शिवराम के साथ खड़ा एक अन्य ग्रामीण किशोरी अहरवार भी घायल हो गया। इसके बाद अगली सुबह यानी कि आज बुधवार को ग्रामीणों ने घटना से आक्रोशित होते हुए ठेकेदार पर काम के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए सागर बीना मार्ग पर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण ठेकेदार पर मामला दर्ज करने और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की गई। मृतक के परिजन का कहना है कि बोले हमें सरकारी नौकरी परमानेंट चाहिए, हम अपने बच्चे को परमानेंट ट्यूशन कैसे करेंगे। मने करते करते गड्ढे में 19 फुट किया ठेकेदार ने, घुस गया मने कर दिया। सरकारी रोजगार चाहिए, हमें बच्चों को हम कैसे पालेंगे, हमें बच्चों का पालन पोषण करना है, हमें तो रोजगार चाहिए। परमानेंट नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए तो बात का सर माल आप निकाल दो, तो भैया आप नहीं कर सकते आज की सारी निकाल दी। वहीं चक्का जाम की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीण और मृतक के परिजनों को समझाइश दी। सर आपकी मांग की जा रही थी, क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए मैं जड़ुआ खेड़ा में मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर चक्का जाम चल रहा है और एक घर में ही दुर्घटना हुई है, तो उसके कारण परिवार के लोगों ने और चक्का जाम किया था। मैं यहाँ पर आया तो उनसे चर्चा की और उनको विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवार के साथ विधायक होने के नाते हम और सरकार की तरफ से भी मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी यथासंभव मदद हो सकती है उसको करेंगे। संबल योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि तत्काल कल ही पहुँचा दी गई थी, 20,000 रुपये की राशि मैंने आज आकर दी है। संबल योजना का कार्ड है ऐसा बताया गया है, तो उसके तहत दुर्घटना हुई है तो 4,00,000 रुपये की राशि मिलेगी। उनका ये कहना था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं पक्की नौकरी नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये प्रयास करके कोशिश करके ये प्रयत्न करूँगा कि अस्थायी नौकरी कहीं मिल जाए। तो कुल मिलाकर बातचीत हुई है और फिर लोगों ने चक्का जाम खोल दिया है, लेकिन दुर्घटना जो हुई है उसका हमें बेहद दुख है और निश्चित तौर पर हम सब लोग ऐसे पीड़ित परिवार के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी यथासंभव सरकार की मदद हो सकती है उसको करेंगे। जाम लगने के कारण सागर बीना मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जड़ुआ खेड़ा से मनोज राय, सागर टीवी न्यूज़।